गाइस व्हाट्स अप, दिस वदीप एंड यू वाचिंग द क्रूज लाइफ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द क्रूज लाइफ फैमिली। एंड अभी जो बात यह है कि आज फाइनली निकलने वाला हूँ मैं एक शॉर्ट राइड के लिए, न्यू ईयर राइड आप बोल सकते हो, वो भी नहीं है ठीक, मतलब मैं यहाँ से सिर्फ गुवाहाटी जाने वाला हूँ, विच इज अराउंड 350 किलोमीटर्स विथ माई ब्यूटी द बेंटली TNT 300। सो चलो चलते हैं, अभी निकलते हैं, इट्स 9:30 AM इन द मॉर्निंग एंड लेट्स गो। ओके, बाइक इज रेडी, ड्राई स्टैक में अपना सैडल बैग ले रहा हूँ एंड ये ट्रू राइडर का टैंक बैग जो अपना स्पीति में लेके गया था, बस यही लगेज है मेरा। एंड LS2 का तो मेरा है ही, जो हेलमेट है ही इज माई न्यू टेलीसिन माउंट, मेरा जो लास्ट वाला था उसका तो स्क्रू खो गया था स्पीति राइड में, तो दैट्स वाई आई कुड नॉट टेक इट, तो ये एक नया वाला उठा लिया अपना शॉप से। तो अभी मैं इस व्लॉग करने वाला हूँ GoPro 6 के साथ एंड हियर इज माई इंटरकॉम ऑल यू नो द VNet फोन V6। So let's go, it's already 10:11 in the morning and bike is looking damn awesome. Let's go, finally after so many days apna bike ke sath chalo. Okay, fuel up bhi karna hai and ek dost ko main pick up karne ja raha hu basically, वो भी मेरे साथ जाने वाला है, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ होने वाला है एंड ये राइड भी ज़बरदस्त होने वाला है, लेट्स गो। एक्साइटेड आफ्टर सो मेनी डेज मैन। मॉर्निंग रेडी, ये तो खाली जा है, आराम से मुझे जाओ, आराम से जमा हुई है, हाँ दूटा सर। खुलो 100 रुपए। That's the beautiful view and that's Arijit. ये रहा भाई, Arijit जाने वाला है मेरे साथ, मेरा स्कूल फ्रेंड है, तो इसके साथ मैं पहली बार राइड करने वाला हूँ, सो काफी एक्साइटेड। एंड अभी जो रूट लेने वाला हूँ हम लोग, हम जाएंगे अलीपुर होते हैं, अलीपुर होके 4 लेन पकड़ लेंगे, क्योंकि अंदर वाला जो रास्ता है ना ऐसा टाइप का रास्ता है, तो ट्रैफिक कटवा के जाना बहुत टाइम लग जाता है बेसिकली, धूप बहुत है। सो एनीवेज चलते हैं, ट्रिप मीटर को कर लिया है 0 में, अभी हो रहा है 10:30, तो 350 किलोमीटर से अराउंड गुवाहाटी, यहाँ से 5 घंटा पकड़ के चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, शाम तक पहुँच जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया। लेट्स गो एंड लेट्स हॉप ऑन टू द बाइक एंड लेट्स कीप मूविंग। First 111 kilometers of the ride done. So right now I don't know where am I, but ये एक पेट्रोल पंप के बाजू में ये ढाबा है, यहाँ पे रुके हैं। एक्चुअली इतना दिन बाद गाड़ी चला रहा हूँ तो थोड़ा सुस्ती आ रहा है शरीर में, सो इसीलिए थोड़ा रुक के चाय, अरिजीत गया थोड़ा तो आएगा तो आप लोग से मिलाएंगे, तो अभी हम लोग कभी ऐसा है कि 111 किलोमीटर्स हो गए, ऑलमोस्ट मोर 200 अराउंड किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर गुवाहाटी, आराम आराम से चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इतना ख़राब खराब रास्ता, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है यार, 4 लेन के बीच में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, इट्स लाइक 3 साल पहले 4 साल पहले जब मैं आया था मेरा बाइक लेके, उस टाइम में भी देखा था ऐसी सेम कंडीशन एंड दिस टाइम इट्स ऑल्सो द सेम, सो देर इज़ नो प्रोग्रेस टिल नाउ। एनीवेज इसको छोड़ के अड़ी, सो कैसा लग रहा है पिलियन में बैठ के इतना दूर पहली बार? ऐसा है, लग काफ़ी अच्छा रहा है, आगे और भी जाना है,
around 230 kilometers more to go. Quite often experience. Obviously यार देखो मैं उतना पिलियन लेके उतना राइड नहीं करता हूँ, ये भी पिलियन के हिसाब में उतना राइड नहीं किया अभी तक, तो दोनों के लिए एक नया बात है. तो इसी है कि अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे, है कि नहीं. तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि स्वैप करके चले, थोड़ा वो चलाए थोड़ा मैं चलाऊँ, तो थोड़ा आराम आराम से, बॉडी को भी उतना झोल नहीं आएगा, आराम आराम से चल लेंगे. तो अभी चाय पीते हैं, चाय पी के निकलते हैं टुवर्ड्स गुवाहाटी. Keep watching and stay tuned. Okay, तो अभी अरिजीत चलाने वाला है गाड़ी, हम थोड़ा पीछे बैठ के रेस्ट करते हैं. Okay, the bike looks sexy, man. गाइस, सो फाइनली खाना वाना आ गया हम लोग का, एंड अभी आके पहुंचे बोरपेटा रोड के थोड़ा आगे, 4-5 किलोमीटर आगे एक ढाबा है, माय होंग, ऐसे कुछ नाम है ना अरिजीत, माय होंग राइट, माय होंग ढाबा नाम का. ये काफी फेमस है यहाँ का, लोकल्स के हिसाब से ये भी काफी अच्छा खाना वाना मिलता है. वी जस्ट कांट वेट टू जस्ट हॉप ऑन टू दिस फूड्स बिकॉज वी आर वेरी हंग्री. एंड सो एनीवेज, अभी जो है यहाँ से है गुवाहाटी अराउंड 130 किलोमीटर, एंड टाइम लग जाएगा अराउंड 2:30 यू कैन से. सो टाइम हो रहा है अभी 3:30, 6:30 बजे तक पहुंच जाने का चांसेस है, लेट्स सी. तो अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है, स्टे ट्यून. अभी हम लोग का एक छोटा मोटा पोपट हो गया. ऐसा है कि क्या, खाना वाना तो ठीक है, खाना वाना अच्छा था, रेस्टोरेंट टाइप का था, लेकिन बिलिंग जो आया हम लोग का, चलो ठीक है, बिलिंग में हम लोग का 740 का बिलिंग आया, जो खाया हम लोग ने. तो उसको छोड़ के ये जो छोटा वाला केबिन ने हम लोग लिया, इसके लिए अलग से 400 रुपया ले लिया हम लोग से, ये कुछ ठीक नहीं लगा. वेलकम टू आसाम. तो ये लेना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि इतना सारा ढाबा में हम लोग खाया है, केबिन चार्ज कौन लेता है यार. चलो कोई नहीं, अभी 400 रुपया हम लोग का वेस्ट गया एक केबिन में बैठने के लिए. तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी अगर आओगे तो थोड़ा वो देख लेना, अंदर रेस्टोरेंट में बैठ जाना, रेस्टोरेंट का चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेगा. तो वही है, और अगर यहाँ का खाना नहीं पसंद आया तो सामने एक अनन्या ढाबा नाम का है, उस वहाँ पे पहले खाया था, तो वहाँ पे केबिन चार्ज लगता नहीं है और खाना भी अच्छा भी है. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, हम तो और कभी नहीं आने वाला यहाँ पे यार, केबिन चार्ज कौन देता है यार यहाँ पे. ठीक है, चलो अभी खाना वाना हो गया हम लोग का, निकलते हैं. इट्स 4 PM राइट नाउ, तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा, लेट्स सी, लेट्स मूव. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अभी निकलने का वक्त आ चुका है, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल सनसेट आउट देयर, कितना बढ़िया लग रहा है. चलो बैठ जा. टाइम गलत है, तो देखने में दिक्कत आ रहा है. टोटल किलोमीटर्स का 204.8. पोपट हो चुका हम लोग का. कट गए.
ये देखो जिंदगी जिंदाबाद, क्या कंडीशन है मेरा वाइजर का यार, कुछ विजिबिलिटी नहीं है। क्या बोल रहे हो अरिजीत? जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद यार। तो यहाँ से अभी गुवाहाटी है अराउंड 65-70 किलोमीटर्स। तो यार रुके, थोड़ा चुस्ती आ रहे हैं एंड थोड़ा बॉडी में पेन भी आ रहा है ना, तो अभी थोड़ा ऐसे रेस्ट वेस्ट लेके थोड़ा पानी वानी पीते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और भाइजर को भी मेरे को क्लीन करना है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो क्लीनर नहीं है तो पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। देखो यार पूरा धूल जम के क्या कंडीशन हो गया, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो। तो एनीवेज अभी है ऐसा एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे, पेट्रोल पंप के बाजू में खड़े है, रास्ता है ठीक ठाक, लेकिन ना रास्ता ठीक है ना, फोर लेन मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में अचानक से इतना मतलब रफ पैचेस होता है ना, वो अचानक से आ जाता है ना, तो बहुत ज़ोर से लग जाता है। वेलकम टू आसाम ना, ऐसा रोड इंडिया में बहुत सारा जगह में मिलता है, ऐसा ये नया बात नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। और ये छोटा छोटा टाइप का बम 10-15 एक एक करके मतलब 500 मीटर बाद बाद ऐसे छोटा छोटा बम हर जगह, उससे ना बाइक का भी मतलब दिक्कत आ रहा है, बाइक में कुछ आवाज़ आ रहा है एंड कमर तो छोड़ ही दो सब बॉडी में। तो एनीवेज एनर्जी अभी भरपूर है, थोड़ा तो ये सब होना ही है, चलो चलते हैं। हम लोग का एयरबीएनबी बुक्ड है, तो एयरबीएनबी का लोकेशन देख रहे हैं, अभी वहीं पे जाएंगे। एक बार मैं रूम पे जाके आपसे बात करते हैं, ठीक है? चलो। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली आके पहुंच चुके हैं। ये एयरबीएनबी का नाम मुझे पता नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक्चुअली थोड़ा लोकेशन खोजने में थोड़ा दिक्कत आ गया था, सो गुवाहाटी शहर हम लोग से इतना प्यार करता है, पूरा गुवाहाटी शहर घुमा के फाइनली आके हम लोग को ऐसे पहुँचा है ना अरिजीत, थोड़ा बहुत घुमा लिया, एक घंटा के ऊपर हम लोग पूरा गुवाहाटी घूम लिए, उसके बाद आके फाइनली पहुँचा। ये एक्चुअली भांगाघर में है, भांगाघर रोड का नाम जी एस रोड भांगाघर की, यहाँ पे कंडीशन एकदम देखो तो पूरा हालत ख़राब। और एक जन हम लोग को ज्वाइन किया अभी, लेट मी इंट्रोड्यूस यू, स्वप्निल शाह, माई स्कूलमेट, माई क्लासमेट, माई चाइल्डहुड फ्रेंड, बोथ ऑफ देम आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। सो न्यू ईयर पार्टी अच्छा जाने वाला है। ये जो एयरबीएनबी है, ये एयरबीएनबी का एक छोटा सा टूर आपको मैं दे देता हूँ। दिस इज़ द डोर, मेन डोर, यहाँ से घुसने से दिस इज़ द सीटिंग एरिया यू कैन से, यहाँ पे एक रूम जाता है एंड दिस इज़ द बाथरूम, एज यू कैन सी क्वाइट नाइस स्पेशियस, एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड हेयर इज अनदर रूम, दिस इज द किचन। काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशियस रूम्स है, दिस इज द बाथरूम एंड दिस इज द सेकेंड रूम। सो आज का ब्लॉग इतना ही लगता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर ठोके जाना, उससे भी अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो विद दैट सेड, दिस इज शिवदीप साइनिंग ऑफ फ्रॉम द क्रूज लाइफ, कीप वॉचिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ।